हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा थर्ड इंग्लिश का लेसन है, अ लवली बर्ड इन द गार्डन। हमने भी स्कूल पे इसे बनाते वक्त किन किन डोमेन्स का इस्तेमाल किया है और एनईपी 2020 के किन क्राइटेरियाज को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेसन को बनाने के लिए हमने जो फोकस किया है वो बच्चे के लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट पर किया है, क्योंकि इस लेसन का होल एंड सोल जो है वो प्रीपोजिशंस है। बच्चों को मल्टीपल काइंड ऑफ एक्टिविटीज लेकर और अलग अलग असेसमेंट लेकर हमने बच्चों को प्रीपोजिशन सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनका उर्दू जबान में मानी क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है, इस पर गौर किया है हमने। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमने प्रीपोजिशंस की कुछ एग्जाम्पल्स ली है, जिस तरीके से कि एक जो परिंदा है वो गार्डन में किस किस जगह पर बैठा है, यानी उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए हमने प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल बताया है।